हाय, मैं हूँ जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। रिलायंस ने बुधवार को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग AGM 2020 के दौरान बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की है। अब AGM क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। शॉर्ट में कहूँ तो पूरे साल का उस कंपनी का रिपोर्ट की क्या उन्होंने किया वो सब यहाँ पर बताया जाता है। आगे फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये सब बातें यहाँ पर होती है। और जियो की इस 43rd AGM में जो अनाउंसमेंट्स हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि जैसे जियो नेटवर्क ने इंडिया में, खास करके इंटरनेट की दुनिया में, जो रिवॉल्यूशन ला दिया है, वैसे ही जियो आपके लिए कुछ ऐसे आविष्कार लेके आ रहा है जो आपकी लाइफ बदल देगा। उनमें से एक धमाके के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और उस धमाके का नाम है जियो ग्लास। तो चलिए जानते हैं क्या है ये जियो ग्लास, शुरू करते हैं आज की बातें। तो जियो ग्लास दिखने में तो बिल्कुल हमारे जो नॉर्मल ग्लास होते हैं वैसा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ खास टेक्नोलॉजी होगी। ये एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है जिसको आप अपने फोन से कनेक्ट करके वीडियो कॉल्स और खास करके 3D वीडियो कॉल्स के जरिए मीटिंग्स वगैरह कर पाएंगे। नॉर्मल ग्लास से ये थोड़ा सा भारी होगा। जियो ग्लास का वजन करीबन 75 ग्राम होगा। इसे जियो की अधिग्रहण करने वाली एक स्टार्टअप कंपनी SR Act ने डिजाइन किया है। इसमें कंपनी ने सेंसर, कैमरा सब कुछ दे दिया है। यह आपके मोबाइल से कनेक्ट होकर आपको 3D दुनिया का एहसास कराएगा। कंपनी के मुताबिक यह पहले से 25 मिक्स रियलिटी एप्स के साथ कंपेटिबल है और इस मिक्स रियलिटी का जो डिजाइन है वो बिल्कुल कंफर्टेबल यूज के हिसाब से ही बनाया गया है। इसके फ्रंट में, सेंटर में यहाँ पर एक कैमरा मौजूद होगा जिसमें इनबिल्ट सेंसर्स भी दिए गए होंगे। इससे यूजर्स कॉन्टेंट को ज्यादा एंगेजमेंट के साथ एंजॉय कर पाएंगे। इसके स्क्रीन पर अंदर से आप जब देखोगे आपको बिल्कुल 3D इफेक्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में घूम रहे हो। ग्लास की जो स्टिक्स रहेगी वो थोड़ी सी मोटी होगी हमारे नॉर्मल ग्लासेस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें बैटरीज वगैरह होगा और स्टिक के एंड में ईयरपीस होगा जो आपके कान के बिल्कुल ही नज़दीक होगा। तो जब आप किसी को वीडियो कॉल करोगे तो इसी के थ्रू आप सामने वाले की आवाज़ सुन पाओगे। आप इसके थ्रू गाने भी सुन सकते हैं। आप गेम खेलते वक्त भी साउंड्स को एंजॉय कर पाओगे। इसमें जो 25 ऐप्स होगी उसके अंदर एंटरटेनमेंट, लर्निंग, शॉपिंग, जो भी आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में ज़रूरी है वो सब कुछ शामिल किया गया है। खास करके इससे स्टूडेंट्स को और टीचर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। देखो, लॉकडाउन के अंदर आजकल सभी बच्चे घर पर बैठकर ऑनलाइन पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसी आदत नहीं है बच्चों को भी और टीचर्स को भी। तो जब तक टीचर सामने खड़ा नहीं रहता है तब तक बच्चों को भी पढ़ने का मज़ा नहीं आता है, हालांकि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में ये जो ग्लास है वो रिवोल्यूशन लेके आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर टीचर्स 3D वर्चुअल क्लास होस्ट कर पाएंगे। तो बच्चे भी टीचर को अपने सामने ही खड़े हैं ऐसा एहसास कर पाएंगे और टीचर्स को भी बच्चों को कुछ दिखाना है, कुछ सिखाना है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ समझाना है तो 3D टेक्निक के जरिए वो दिखा सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं उनको। अब बात करें इसकी प्राइस की, तो वैसे कंपनी ने कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं की है अभी तक जियो ग्लास की प्राइस को लेकर, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ग्लास की प्राइस 4,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये के बीच में होगी। और ये एग्जैक्ट कब मार्केट में आएगा इसके बारे में भी अभी तक कंपनी ने कुछ पर्टिकुलरली बताया नहीं है, लेकिन लॉकडाउन को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है, खास करके मीटिंग्स और एजुकेशन पर्पस से। तो उससे लगता है कि हमको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। जाने से पहले वक्त है शाउट आउट का, तो उन 3 लोगों के नाम है आकाश डागर, अभिराज जयसवाल एंड पिंटू ड्रीम्स यादव, वेल डन। जाते जाते आज का सवाल भी सुन लीजिए। सवाल ये है कि जियो के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि मुकेश अंबानी मत लिखना, मुकेश अंबानी चेयरमैन है। बाकी आप ढूंढ लेना कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सर्च करो, कमेंट करो। सबसे पहले सही जवाब देने वाले जो 3 लोग होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर करना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। We'll be right back.